जानेंगे यूपीएल शेयर को लेकर। एक्शन में है यूपीएल, 630 के लेवल को इस समय क्रॉस करते हुए दिख रहा है। सुबह भी हमने एक्शन में आते हुए दिखा था, वागले साहब ने क्लोजिंग शो में जाते जाते यहां पर बाय कॉल भी दी थी। और वागले साहब, मोमेंटम दिख रहा है उस समय, अगर ट्रेड लिया है तो क्या करना है यूपीएल में, जरा ये बताइए सर। और क्या लेवल्स देख रहे हैं आज, 3.5% ऊपर हो चुका है, ऑलमोस्ट 4% ऊपर इस समय दिख रहा है। दीपांशु सही लेवल से घुमा है, मुझे लगता है अगर मॉर्निंग से अब तक जब से मैंने कॉल दिया है लगभग 11 बजे के आसपास, उसके बाद मार्केट गिरा हल्का सा लेकिन यूपीएल गिरा नहीं है। 6:30 के नीचे जैसे ही जाता है वापस स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता है, इसका मतलब यह है कि ये चलने वाला है। मुझे लगता है 650 660 तक तो आपको 1 से 2 दिनों में मिलना चाहिए, तो बिल्कुल बने रहे 620 621 के स्टॉप लॉस से। 660 670 का पोजिशनल टारगेट उधर तक 3 से 4 दिनों में जा सकता है। तो ये है आपके लिए यूपीएल। आइए जैन साहब भी हमारे साथ, एक बार यूपीएल पर जैन साहब की भी राय ले जाए। जैन साहब, गुड आफ्टरनून। कल और आज सुबह ही हम बात कर रहे थे कि इस पूरी रैली में निफ्टी का सिर्फ एक स्टॉक है, बाकी 49 स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, सिर्फ एक स्टॉक है जिसने कुछ नहीं किया और वो है यूपीएल। अब फाइनली लग रहा है कि यूपीएल भी एक कैचअप रैली के लिए तैयार हो रहा है, क्या करना चाहिए सर इसमें? देखिए ये बात सही है और इसके बारे में मैं पॉजिटिव नहीं रहा था पहले भी, कुछ ना कुछ इश्यूज थे कंपनी को लेकर, कुछ ऐसे न्यूज रहती थी और उसकी वजह से देखिए अंडर परफॉर्म किया है और काफी करेक्ट भी हुआ है। अब ठीक है, जब दूसरी सारी चीजें चल रही होती है और निफ्टी लाइफ टाइम हाईस पे होता है तो वहां पे फिर एक डेड कैट बाउंस बोल लीजिए या जो बॉटम आउट हो रहा है वो स्टॉक को लेने की मार्केट कोशिश करता, तो वही एक रीजन। और प्लस केमिकल्स चलने लगे हैं और एग्रोकेमिकल्स वगैरह भी चल रहे हैं, सो ठीक है ये एक रन अप दे सकता है और कैचअप कर सकता है। आई थिंक 670 तक, 650 670 ये रेंज है जहां तक जा सकता है। बाकी रिजल्ट्स के फ्रंट पे कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है नहीं चीजें, तो ओवरऑल आई एम नॉट वेरी बुलिश। इसको एक बाउंस बैक प्ले के हिसाब से खेला जाए और बाकी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है इस सेगमेंट में से, जहां पे अंडर प्ले हो रखा मार्केट के हिसाब से वहां पे ध्यान दे, बट यूपीएल में एक बाउंस बैक प्ले के हिसाब से पोजीशन जिन्होंने ले रखी है वो होल्ड करके रख सकते हैं और जिनको लेना है वो अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। ओहो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास इस स्पेस में, जिन सब कितने?